नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। जो लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आप उसका लाभ उठाएँ। दोस्तों, आजकल अपेंडिक्स की समस्या बहुत सुनने को मिल रहा है, पेटों में जो अपेंडिक्स होता है तो इसमें सूजन की समस्या बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत सुनने को मिल रहा है। तो आज हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे कि इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, क्या उपचार है, तो कैसे ये ठीक करता है होम्योपैथी, कैसे इस पे काम करता है, क्या इसमें सिम्टम होते हैं और इसकी कॉज क्या है। तो चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं और इसको जानते हैं। दोस्तों, जो अपेंडिक्स होता है वो पेट में दाहिने तरफ निचले हिस्से में पाया जाता है, या एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। ये बड़ी आंत में नीचे की तरफ सबसे नीचे जो पोर्शन होता है, एक पूंछ जैसी संरचना होती है, उसको ही हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ये दाहिने तरफ होता है और जहाँ पे दोनों आंत मिलती है वहीं पे ये होता है। तो ये एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो अभी बहुत क्लियर नहीं होता है कि इसका फंक्शन क्या है या किस क्या रोल है, लेकिन एक चीज़ इसमें होता है, जो भी ये अपेंडिक्स होता है इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो लोकल इन्फेक्शन जो इसमें होता है उसको उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये एक अच्छा रोल है। दोस्तों, हम कॉज की बात करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि जो भी स्टूल का पार्टिकल होता है वो पास आउट होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके छोटे छोटे कण जो खिसक के अपेंडिक्स में चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी उसमें सूजन हो जाता है और कभी कभी उसमें घाव भी बन जाता है बहुत ज़्यादा। अगर बहुत लंबे समय से अगर ऐसा होता है तो वहाँ सूजन भी होता है और घाव भी बन जाता है, सड़ने लगता है कभी कभी ऐसा, तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उस कंडीशन में। और दूसरा जो दोस्तों कॉज है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, कभी कभी पैरासाइट का वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट उस पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वहाँ सूजन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ऐसी ये चीज़ हो जाती है कि सूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये भी एक तरह का कॉज है। जो दोस्तों एक और कॉज है जिसको हम लिम्फॉइड हाइपोप्लेजिया बोलते हैं, उसकी वजह से भी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें सूजन हो जाता है जिसकी वजह से भी दर्द होता है दोस्तों। और ये सब चीज़ें होती हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबे समय से अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे दोस्तों कार्सिनोमा भी होने के डेवलप चांसेज होते हैं, कार्सिनोमा भी वहाँ पे डेवलप हो जाता है और पेशेंट जो होता है वो डेड कर जाता है। तो कभी कभी अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर आपको पता चलता है तो तुरंत ट्रीटमेंट कराने की दोस्तों ज़रूरत है, नहीं तो कभी कभी वो ख़तरनाक साबित होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें सिम्टम की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत होता है। तो दोस्तों जो सिम्टम इसमें होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है दाईं तरफ निचले हिस्से में जहाँ पर दोनों आंतें मिलती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जो दर्द होता है दोस्तों वो कटने जैसा होगा, चुभने जैसा होगा, कभी कभी गैस भी बनता है, पेट भारी लगता है दोस्तों। जब भी हम कोई भारी सामान उठाते हैं या कोई इस तरह के खान स्पाइसी फूड वगैरह या नॉनवेज इस तरह का चीज़ें लेते हैं तो गैस बनता है, उसकी वजह से भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं दोस्तों। उसके बाद जब भी दर्द होता है तो उस कंडीशन में कभी कभी उल्टी भी होना शुरू होता है दोस्तों, या उल्टी जैसा मन करता है, तो ये सब लक्षण होते हैं, देखने को मिलते हैं और आप उसको पहचान सकते हैं। जब नीचे निचले हिस्से में दर्द होता है बहुत तेज़ दर्द होगा, चुभने जैसा दर्द होगा, और वहाँ पे जैसे भी आप टच करने जाएंगे तो रोगी उसको कहेगा कि नहीं नहीं छुओ मत, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रोगी टच नहीं करने देता है, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपेंडिसाइटिस हुआ हो। तो हमको एक जांच होता है यूएससी अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, वो उसमें हम एब्डोमेन के लिए लोअर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन के लिए कराते हैं, अगर जब वो टेस्ट कराएंगे तो उसमें शो कर देता है कि अपेंडिसाइटिस हुआ है दोस्तों, तो ये टेस्ट ज़रूर हमको कराना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी वो मेडिसिन है जो इस पर बहुत अच्छा असरदार साबित होती हैं। तो उसमें पहला मेडिसिन है दोस्तों आयरिश टेनेक्स। आयरिश टेनेक्स दोस्तों हमको उसको 30 पावर में
पांच पांच वो तीन टाइम लेने होते हैं। जब भी पेशेंट बहुत ज़्यादा उसको पेट में दर्द होता है, उसके बाद वो जब भी आप उसको छुएंगे तो वो छूने नहीं देता है, कटने जैसा दर्द होता है, पेट भारी भारी पन सा लगता है, कभी कभी उल्टी जैसा उसको महसूस होता है। तो अगर स्पेशली ये बहुत अच्छा स्पेशल मेडिसिन होता है जो उसी के लिए होता है, अपेंडिसाइटिस के लिए ही होता है, तो इस मेडिसिन को हमको 30 पावर में पाँच पाँच वो तीन टाइम लेने होते हैं दोस्तों। तो ये मेडिसिन आप जो को ज़रूर लेना है दोस्तों, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये दोस्तों। अगला मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना 200, जिसको हमको पाँच पाँच वो तीन टाइम लेने होते हैं दोस्तों। इस मेडिसिन में जो भी पेशेंट होता है उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, दर्द के साथ साथ जब भी वो पैर को मोड़ेगा तो लेट के तो उसका दर्द आराम होता है, और उसको पीठ के बल सोने पे भी उसके दर्द में राहत मिलती है दोस्तों, और उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, चेहरा लाल हो जाता है, और कभी कभी इसमें उल्टी जैसा भी होता है। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है दोस्तों तो आपको बेलाडोना 200 पाँच पाँच वो तीन टाइम ज़रूर लेना हो दोस्तों। ये बहुत अच्छा असरदार मेडिसिन है, क्यूरेटिव मेडिसिन है, तो इस मेडिसिन को आपको ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अगला मेडिसिन है डायस्कोरिया मदर टिंचर। इस मेडिसिन को हम 15-15 बूंद हल्के गुनगुने पानी में तीन टाइम लेने होते हैं दोस्तों। जब रोगी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पीठ के बल उसको झुकने में आराम होता हो, उसके बाद लेटकर पैर मोड़ने से आराम होता हो, पीठ के बल लेटने से आराम होता हो, तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दर्द के साथ मड़ोर होता हो, उसको ऐसा लगता है कि पेट मड़ोर रहा है, पेट में कुछ चल रहा है, और साथ साथ उल्टी जैसा कभी कभी लगता हो दोस्तों, तो इस मेडिसिन का सेवन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसका एक्शन जो होता है पेन पे बहुत जल्दी होता है, और ये मेडिसिन तुरंत क्योर करती है दोस्तों। दोस्तों अगला मेडिसिन है लाइकोपोडियम वनियम की मात्रा आपको हफ्ते में 2 बार देने होते हैं। सप्ताह में 2 बार देने की वजह से 5-5 बूंद आपको बस सुबह खाली पेट लेने होते हैं सप्ताह में 2 बार। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। जब भी उसकी वजह से अगर बाथरूम में कोई दिक्कत हो रहा है या बाथरूम के अगल बगल जो जगह होता है वहाँ पे सूजन हो जाती है, या बाथरूम करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है, उसको उल्टी जैसा होता है, तो ये मेडिसिन उस समय बहुत अच्छा काम करती है। जो पेशेंट होता है उसको मीठे की डिजायर होती है, मतलब मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो ये मेडिसिन उस पर बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसा अगर कंडीशन होता है दोस्तों तो ये मेडिसिन ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों, बहुत असरदार मेडिसिन होती है दोस्तों। अगर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कटिंग पेन होता है, प्रिकिंग पेन होता है, उस कंडीशन में हमको कोलोसिंथ 200 का कम से कम दिन भर में 4 से 5 टाइम हमको देने होते हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो तुरंत रेपिटेशन करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे पेशेंट को कम से कम पहले राहत मिले, फिर धीरे 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 रेपिटेशन को हमको कम कर देना चाहिए। इसको दिन भर में 3 टाइम कर दीजिए, लेकिन जब तक दर्द हो रहा है दोस्तों तो कोलोसिंथ को 200 पावर में आपको 5-5 बूंद कम से कम 4 से 5 टाइम आपको दिन भर में देना चाहिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली एब्डोमिनल पेन एंड किसी तरह का पेट में दर्द हो रहा है तो उस पर एक्शन ज़रूर करता है, और बहुत जल्दी उसको क्योर करता है दोस्तों। तो ये मेडिसिन आपको ज़रूर देना है दोस्तों, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब पेट जो दर्द होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो जो भी रेपिटेशन होता है उसको कम कर देना चाहिए। जैसे हम दिन भर में 5 बार दे रहे हैं तो दिन भर में फिर उसको 2 या 3 टाइम ही दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए दोस्तों। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, इस मेडिसिन को यूज़ ज़रूर करिए दोस्तों। दोस्तों कभी कभी अपेंडिसाइटिस आगे चल के नेक्रोसिस का फॉर्मेशन करने लगता है दोस्तों, उस कंडीशन में हमको लाइकेसिस और गन पाउडर, लाइकेसिस 200 को आप सुबह और दोपहर शाम को आपको रिपीट करना है, और साथ साथ गन पाउडर 3x में 3-3 गोली आपको 4 टाइम या 4-4 गोली 3 टाइम आपको गर्म पानी में घोल के मरीज को पिलाइए, ताकि जो भी नेक्रोसिस हुआ है या घाव बन रहा है उससे वो जल्दी से ठीक हो जाए और बीमारी क्योर हो जाए दोस्तों, नहीं तो आगे चल के कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है दोस्तों। दोस्तों ये रहा अपेंडिसाइटिस से ठीक होने के उपाय दोस्तों। अगर जो भी मैं आपको जानकारी दिया हूँ वो आपको अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।